साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल यानी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के अंतर्गत आने वाले जितने भी महाविद्यालय यानी कि कॉलेजेस है उनके अंदर फर्स्ट ईयर का जो पेपर हुआ है 30/5/2023 यानी 30 मई 2023 को जो पेपर हुआ फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट यानी वह जो पेपर हुआ हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर हुआ था उस पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो साथियों, ये जो पेपर है प्रवेश नाम के विद्यार्थी के द्वारा हमें उपलब्ध करवाया गया है और इसका पूरा जो सॉल्यूशन है 50 क्वेश्चन हिंदी और 50 क्वेश्चन इंग्लिश का अब हम लोग देखने वाले हैं। तो साथियों, लास्ट तक आप इस चैनल पर बने रहिएगा और यदि चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। साथियों, देर ना करते हुए मैं सीधा चलता हूँ क्वेश्चन पेपर और आर्क आपके बीच में और मैं हट जाता हूँ अब स्क्रीन से और आते हैं अब सीधा क्वेश्चन पेपर की ओर। और आपको पार्ट फर्स्ट दिखाई दे रहा है भाषा और संस्कृति, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मैत्री शरण गुप्त रचित राम काव्य परंपरा का ग्रंथ है, तो इसका आंसर क्या होगा उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, उसका आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी साकेत। मैत्री शरण गुप्त रचित राम काव्य परंपरा का ग्रंथ क्या है? साकेत है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैत्री शरण गुप्त की नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो गया डी रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो रचना है वो केशवदास द्वारा रचित है या केशवदास के द्वारा लिखित है, तो प्रश्न क्रमांक दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रामचंद्रिका। आगे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीन, मैत्री शरण गुप्त के अनुसार मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर है ईश्वर की सगुण मूर्ति है। नेक्स्ट है, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं काव्य पंक्ति में जिसकी सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो यहाँ पर यह वर्ड जो है यह मातृभूमि के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो प्रश्न क्रमांक चार का करेक्ट आंसर साथियों ए हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक पाँच, मैत्री शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? तो पाँच का करेक्ट आंसर है बी चीर गांव के अंदर हुआ। प्रश्न क्रमांक छः, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो धनपत राय प्रेमचंद जी का मूल नाम था। प्रश्न क्रमांक सात, प्रेमचंद्र आरंभ में उर्दू में किस भाषा में लिखा करते थे, यानी कि जब वो शुरुआत उन्हें लिखने की चालू करी थी और उर्दू में जब लिखा करते तो किस नाम से वो लिखा करते थे? तो प्रश्न क्रमांक सात का करेक्ट आंसर बी नवाब राय के नाम से प्रेमचंद का आरंभ हुआ था उर्दू में लेखनी से। प्रश्न क्रमांक आठ, मीर और मिर्जा का शतरंज खेलना क्या बताता है? तो साथियों, आठवें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी उपयुक्त सभी। दोनों अच्छे खिलाड़ी और मित्र थे, उस युग में शतरंज खेलना लोकप्रिय था, उस युग के उच्च वर्ग के लोग विलासी थे, यानी आठवें प्रश्न का करेक्ट आंसर साथियों डी हो जाएगा। साथियों, मैं आपको एक लाइन और यहाँ पे बताने का कोशिश करूँगा कि बताऊँगा कि हमने इन 100 क्वेश्चन का जो आंसर सर्च किया या आंसर ढूंढवाया है एक्सपर्ट के द्वारा इनके आंसर बनवाए हैं, हमने पूरी कोशिश करी है कि आंसर यहाँ पर 100% सही हो यानी 100% सही हो, फिर भी हो सकता है क्योंकि 100 क्वेश्चन है एक या दो क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती मे भी संभवतः, पर वैसे हम लोगों ने कोशिश की कि पूरे के पूरे 100 ही प्रश्नों के उत्तर सही सही आप तक पहुँचे। शतरंज खिलाड़ी कहानी किस पर आधारित है? तो प्रश्न क्रमांक 9 का करेक्ट आंसर हो गया बी यथार्थवाद के ऊपर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? तो 10वें का करेक्ट आंसर हो गया डी मानस के हंस। तो मानस के हंस किसका उपन्यास है ये भी आपको याद होना चाहिए साथियों, तो याद रखिएगा अमृतलाल नागर का उपन्यास है। किसका साथियों? अमृतलाल नागर का उपन्यास है मानस के हंस, ये प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। प्रश्न क्रमांक 11, शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ? तो साथियों, शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के महाकाल की नगरी उज्जैन के अंदर हुआ, तो 11वां करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, शरद जोशी किस विधा के लेखन में अधिक प्रसिद्ध हुए? प्रश्न क्रमांक 12, तो इसका करेक्ट अर्थ आंसर है व्यंग। शरद जोशी किसमें लिखा करते थे? तो सबसे ज़्यादा उन्हें व्यंग की रचनाएँ लिखी है। प्रश्न क्रमांक 13, जीप पर सवार इल्लियाँ पाठ पर
व्यंग किस पर किया गया है? ऑप्शन ए राजनेताओं पर, बी प्रशासनिक व्यवस्था पर, सी धार्मिक व्यवस्था पर और डी उपयुक्त सभी पर। तो प्रश्न क्रमांक जो 13 है इसका करेक्ट आंसर यदि हम लोग कहें तो प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। किसके द्वारा? शरद जोशी के द्वारा। तो प्रश्न क्रमांक 13 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न क्रमांक 14, किसान को जीप में क्या रखने को कहा गया था? तो हरा चना रखने को कहा गया था। प्रश्न क्रमांक 15, मुझे खेती से अच्छा लगता है, यह सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है, यह किसका कथन था? तो प्रश्न क्रमांक 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यह लेखक का कथन था। सॉरी साथियों, यह अफसर का कथन था। प्रश्न क्रमांक 16, मातृभूमि, सॉरी प्रश्न क्रमांक 16, महाभारत के किस अध्याय में राम कथा का वर्णन मिलता? बहुत शानदार प्रश्न साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 16 का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा साथियों अरण्य वन पर्वत, यानी 16वें का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और इसके अंदर आएगा यहां पर इसका आंसर अरण्य वन पर्व के अध्याय 273 से अध्याय 291 यानी 273 से 291 तक महाभारत के अंदर राम कथा का वर्णन मिलता है। तो अरण्य यानी वन पर्व के अंतर्गत कब मिलता है? अध्याय 273 से 291 के बीच में। प्रश्न क्रमांक 17, मैं निम्नलिखित में से किस कवि ने राम काव्य की रचना की है? तो प्रश्न क्रमांक 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मैथिली शरण गुप्त ने। और मैथिली शरण गुप्त ने किसकी रचना की? साकेत की रचना की। और साकेत में किसका उल्लेख किया है? तो रामायण के एक अद्भुत पात्र उर्मिला का उसके अंदर उल्लेख किया गया है। तो 17वें प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न क्रमांक 18, अपभ्रंश में रचित पौमचरित किसकी रचना है? साथियों प्रश्न क्रमांक 18 का करेक्ट आंसर स्वयंभू बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19, कंब रामायण किस भाषा में रचित है? तो प्रश्न क्रमांक 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तमिल भाषा में रचित है। प्रश्न क्रमांक 20, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? आप इनसे सब परिचित है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है। प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है 21 का करेक्ट आंसर डी, सभी उनकी रचनाएँ हैं। प्रश्न क्रमांक 22, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मनोविकार संबंधी निबंध है? तो प्रश्न क्रमांक 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उत्साह, जो आपके आपके सिलेबस के अंदर भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्साह नामक निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस ग्रंथ में संकलित है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंतामणि में संकलित है। प्रश्न क्रमांक 24, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? तो बेगूसराय जिले के सेमरिया गांव में हुआ। तो 24 का करेक्ट आंसर सी। 25वां प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस काव्यधारा से है? तो 25वां करेक्ट आंसर ए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा से है। प्रश्न क्रमांक 26, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो भारत भारती रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं, यानी 26वां करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो किसकी रचना है? तो भारत भारती मैत्री शरण गुप्त की रचना है। प्रश्न क्रमांक 27, भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का मूल क्या है? 27वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भाषा। याद रखिएगा साथियों, भाषा, हमने जो आंसर इसका सर्च किया है, ढूंढा है, पता करवाया है, बुकों में पढ़ा है, उसका करेक्ट आंसर हमें भाषा मिला है, ना कि संविधान, ना कि सांस्कृतिक एकता, ना कि पहनावा। तो क्या है? भाषा। हो सकता है एग्जामिनर या जो आंसर की बनाने वाले इसका आंसर वो दूसरा भी ले सकते हैं, पर हमें जो मिला है वो भाषा है। प्रश्न क्रमांक 18, कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतररिप का भाग कैसा दिखाई देता है? तो 29वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रायद्वीप जैसा दिखाई देता है। सॉरी 29वें का करेक्ट आंसर, सॉरी साथियों 28वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रायद्वीप जैसा दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक 29, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? तो 29 का करेक्ट आंसर बी,
कालड़ी गांव में हुआ। प्रश्न क्रमांक 30, आदि शंकराचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? तो अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। 30वें का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 31, आदि शंकराचार्य ने भारत में कितने मठों की स्थापना की? तो 31वां करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 4 मठों की स्थापना की। आगे चलते साथियों, प्रश्न क्रमांक 32, आदि शंकराचार्य की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो 32वां का करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33, तत्मसी का अर्थ क्या है? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वह तुम ही हो। तत्त्वमसी का मतलब वह तुम ही हो। क्वेश्चन नंबर 34, ऐसे शब्द जो परस्पर समान अर्थ का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 35, इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो 35वें का सी, तिमीर। तिमीर का अर्थ होता है अंधकार। प्रश्न क्रमांक 36, उदार का विलोम क्या होगा? तो 36 का करेक्ट आंसर ए, कर्पण होगा, कृपण। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 37, अमृत का विलोम है तो 37 का डी, विष। 39, जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्य को यदि आप एक शब्द में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? 38 का करेक्ट आंसर बी, अजर। 39, जीने की इच्छा वाक्य के लिए एक शब्द में आप क्या लिखेंगे? तो 39 का एक, जीजी विशा। क्या लिखेंगे साथियों? जीजी विशा लिखा जाएगा, करेक्ट आंसर ए। प्रश्न क्रमांक 40, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो साथियों आप अच्छे से जानते हैं, उसको संधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो साथियों आप लोग अच्छे से जानते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो 41 का करेक्ट आंसर सी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, नद्यर्पण शब्द में कौन सी संधि है? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यण संधि है। 43, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 43 का करेक्ट आंसर बी, सु प्लस आगत। कौन सा आंसर? बी, सु प्लस आगत। 44, वाग्य शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका ऑप्शन विसर्ग संधि होती है, वाक धन ईश। 44 का सी करेक्ट आंसर। 45, धर्म को साधारण भाषा में क्या कहना चाहिए? तो 45 का करेक्ट आंसर डी, सदाचार, कर्तव्य क्रम और न्याय, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46, बहुत बढ़िया प्रश्न, अहम ब्रह्मास्मि सूत्र का संबंध किससे है? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, अद्वैतवाद हमें मिला है, हमने जो पढ़ा है वहाँ से। यदि आपको इसका कहीं दूसरा आंसर भी मिलता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, भाषा के विविध रूपों में नहीं है। 47 का करेक्ट आंसर बी, वी भाषा। 48, बर्ट के अनुसार भाषाविहीन व्यक्ति होते हैं? करेक्ट आंसर सी, बुद्धिविहीन और भावविहीन दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अर्थव्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाकर उदारवादी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको उदारीकरण कहते हैं साथियों। 49 का करेक्ट आंसर ए होना चाहिए, पर आर्थिक उदारीकरण, विदेशीकरण भी हो सकता है, इससे 49 का करेक्ट आंसर डी होगा। प्रश्न क्रमांक 50वां, अवधारणा को समझा जाता है? 50वें का करेक्ट आंसर डी, अर्थ की संज्ञात्मक इकाई, एक अमूर्त विचार और मानसिक प्रतीक के तौर पर। तो 50वें का करेक्ट आंसर साथियों डी हो जाएगा। तो साथियों ये तो देखे थे आपने 50 प्रश्न जो कि 30 मई 2023 को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों के अंतर्गत हुआ था। आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ, यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ, आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर। यदि अभी तक आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। अब हम चलते हैं यहाँ पर इंग्लिश के 50 प्रश्नों की ओर और इसके सॉल्यूशन को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, हु रोट प्रीफेस ऑफ द महाभारत? ये जो राइटिंग है किसके द्वारा लिखी गई है? तो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राजगोपालाचार्य के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न क्रमांक 2,
रविन्द्रनाथ टैगोर इज अ वेल नॉन पोइट फ्रॉम, तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ के थे? तो साथियों बंगाल के थे वो, तो डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर वेस्ट बंगाल हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, अकॉर्डिंग टू टैगोर द माइंड शुड बी विदाउट फियर, तो 3 का करेक्ट आंसर यहाँ पर साथियों डी हो जाएगा। द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वास, क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वास, तो 4 का करेक्ट आंसर ए सी राजगोपालाचार्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा साथियों? सी राजगोपालाचार्य, जिन्होंने प्रीफेस ऑफ महाभारत लिखा था। महाभारत ग्रंथ की बात नहीं करूँ मैं, प्रीफेस ऑफ महाभारत यानी महाभारत का उन्होंने सारांश लिखा था, सार लिखा था, इंडियन डेमोक्रेसी से रिलेटेड लिखा था उन्होंने। प्रश्न क्रमांक 5, बिल्कुल इसका आंसर साथियों आप लोगों को याद होगा, दुर्योधना इज द सन ऑफ, दुर्योधन किसका सन था? तो गांधारी का पुत्र था। तो 5वां करेक्ट आंसर सी। प्रश्न क्रमांक 6, हु वास बिस्टोविट विथ यूनिक्स विजन टू नेरेट द हैपनिंग ऑफ द वार टू किंग धृष्टराष्ट्र। ये प्रश्न कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6 कि धृष्टराष्ट्र को जो कुरुक्षेत्र के अंदर, महाभारत के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर जो युद्ध चला था, उसको एक विशिष्ट दृष्टि के द्वारा किस व्यक्ति ने पूरा वृत्तांत सुनाया था? तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, तो प्रश्न क्रमांक 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों डी संजय। प्रश्न क्रमांक 7, हु वेयर घटोत्कच पेरेंट्स, 7वें का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? तो बी भीम एंड हिडम्बा, 7वें का करेक्ट आंसर बी भीम एंड हिडम्बा। कौन है साथियों? भीम और हिडम्बा। तो भीम और हिडम्बा का पुत्र कौन था? घटोत्कच। तो साथियों से मैं थोड़ा सा एक स्टोरी और अटैच करना चाहूँगा कि घटोत्कच के पुत्र कौन हैं। तो घटोत्कच के जो पुत्र है, आपको याद होगा राजस्थान में एक जगह है, बड़ी फेमस जगह है, जिसको हम लोग खाटू श्याम के नाम से जानते हैं, जहाँ पर खाटू श्याम का एक फेमस मंदिर है। तो हम ये कह सकते हैं कि खाटू श्याम के पिताजी कौन हैं? तो घटोत्कच है, और उसके दादाजी कौन हैं? तो भीम। उसकी परदादी, उसकी दादी कौन है? तो परदादी यदि हम कहें, सॉरी दादी कहेंगे तो हिडम्बा होगी। तो थोड़ा सा आपको डिटेल मैंने यहाँ पर बताया। प्रश्न क्रमांक 8, बड़ा सरल सा प्रश्न है, यदि आप इस पोयम को पढ़ेंगे तो बड़ा समझ में आएगा। प्रश्न क्रमांक 8 का करेक्ट आंसर साथियों सी कोपाल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वेलिन बिलोंग्ड टू विलेज नेम्ड, तो कोपाल्स नाम हो जाएगा, 8वें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, आफ्टर लिविंग द विलेज वेलिन्स रीज्ड, तो 9वें का करेक्ट आंसर है मालगुडीज। प्रश्न क्रमांक 9 का करेक्ट आंसर ए। प्रश्न क्रमांक 10, एट व्हाट एज डिड वेलिन्स लीव होम, मतलब वेलिन ने घर कौन सी उम्र में छोड़ दिया था? तो 10वें करेक्ट आंसर है बी 18, 18 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 11, वेयर वाज सेलोन्स फाइनली कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म, मतलब भारत में बुद्धिज्म का विस्तार कब से होना चालू हुआ? तो ग्रेट अशोका के बाद में चालू हुआ। तो 11वें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, ए एल वाशम इज एन इमिनेंट हिस्ट्रिक ऑफ इंडिया, मतलब उन्होंने किसके बारे में बात करी थी? इंडियन, इंडियन की हिस्ट्री के बारे में उन्होंने लिखा है। प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 13, वेन वाज द वंडर दैट वाज इंडिया रिटर्न बाय, ए एल भाषम के द्वारा लिखित एक बुक है ये, वेन वाज द वंडर दैट वाज इंडिया। तो साथियों इसमें इस ये जो बुक जो पब्लिश हुई थी पहली बार, ये 1954 में पब्लिश हुई थी, तो मुझे यहाँ पर कहीं भी इसका करेक्ट आंसर दिखाई नहीं दे रहा। 1954 यानी 1954, तो इसका करेक्ट आंसर 1954 है, या तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा या यहाँ पर ये 1956 इसको करेक्ट माना जाएगा, पर इसका एग्जैक्ट आंसर है 1954। प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ आ जाते हैं हम लोग साथियों, वेयर इज एंगोर एंकोर लोकेटेड, तो प्रश्न क्रमांक 14 करेक्ट आंसर है डी कंबोडिया। प्रश्न क्रमांक 15, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट किसका है ये पूछा गया है, हु वाज द गिवन द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, ये जो डेफिनेशन है एजुकेशन की किसकी है? तो 15वें का करेक्ट आंसर है बी महात्मा गांधी के द्वारा ये डेफिनेशन कही गई है, ये स्टेटमेंट कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 16, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉलिटिकल मेंटर्स ऑफ महात्मा गांधी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर 16 का बी गोपाल कृष्ण गोखले, करेक्ट आंसर बी गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न क्रमांक 17, एम के गांधी डिडॉन्स,
मतलब एम के गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो प्रश्न क्रमांक 17 करेक्ट आंसर ए 30 जनवरी 1948 को, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 18, हुम डिड राजगोपालाचार्य सक्सेस एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो 18वां करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल बी। प्रश्न क्रमांक 19, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन सेटअप द फिनोनिक्स इंस्टीट्यूट इन अफ्रीकन कंट्रीज? तो 19वां करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। प्रश्न क्रमांक 20, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाय, मतलब ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 20वां करेक्ट आंसर ए, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। अब साथियों, यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर। तो आप इस वीडियो को रख कर इस पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद इस पैसेज को जैसे जैसे मैं ऊपर कर रहा हूँ वीडियो के अंदर, इसको पूरा आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद हम चलेंगे इसके आंसर की ओर। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, इस 21वां प्रश्न है, व्हाट इज द सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का सबसे अच्छा टाइटल क्या होगा? तो 21वां करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, वाटर सोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 22, मैं साथियों फटाफट आंसर बता देता हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है। 22 का करेक्ट आंसर, हु सेड रिवर शुड लिंक नॉट डिवाइडेड अस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 22वें का ए। 23, वाटर कॉन्फिडेंट इन इंडियन डिवाइडेड, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, पॉलिटिकल पार्टी स्टेट एंड सब डिविजन्स। जनरली यदि हम कहें तो ये स्टेट्स को डिवाइड करती है, पर सभी पॉलिटिकल पार्टी भी आजकल नदियों के चक्कर में, पानी के चक्कर में, वोटर के चक्कर में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, इसलिए सब रीजन्स का भी आंसर आ जाएगा इसके अंदर। 23 के बाद आता है 24 की बात करें तो 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। 25th जो क्वेश्चन देख रहा, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच इज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 26, इंस्टेड ऑफ वाटर वाज विच वॉर वाज हेल्ड, मतलब अब यदि हम कहें तो पानी की जगह किस पर युद्ध या किसकी लड़ाइयाँ होती है, या किसकी जगह पानी की लड़ाइयाँ होती है, तो ऑयल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। 27 का यदि हम लोग देखें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लिंक रिवर शुड लिंक नॉट डिवाइडेड अस, रिवर क्या करती है, आपस में जोड़ने का काम करती है, ना कि तोड़ने का काम करती है। तो 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, हुज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसमें आ जाएगा 28 का करेक्ट आंसर सी, फार्मूला ऑफ वाटर आप लोग अच्छे से जानते हैं, 29 का H2O। प्रश्न क्रमांक 30, हाउ वाटर क्राइसिस कैन बी सॉल्व, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते साथियों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, द स्मॉल चाइल्ड वट एवर हिज फादर वॉज डन, तो 31वां करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डस। 32, द मेन, 32 की बात कर रहा हूँ मैं, द मेन डी ऑप्शन इसमें आएगा रिक्तिस्तान में, टू हुम आई सोल्ड माई हाउस, ये आ जाएगा इसके अंदर 32 का डी। आगे चलते हैं 33, ही डिसलाइक द वर्ड डिसलाइक, तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डजंट ही। 34, क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहे हैं हम लोग, टू गिव वन टेम्पर इज, 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टू बी इन गुड मूड। 35, द रेबल्स हेल्ड आउट फॉर अबाउट, तो 35 का करेक्ट आंसर है साथियों यहाँ पर हो जाएगा डी। 36 की बात कर रहे हैं, डू नॉट ट्रस्ट अ मैन, तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। 37, द सिनोनिम्स ऑफ प्रोपेल इज, तो 37 का हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। प्रोपेल का मतलब होता है नोदक, यानी कि जो कहे तो वाहनों के अंदर, या फिर हम कहें कि जो प्लेन होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, उनके अंदर फिलअप किया जाने वाला जो फ्यूल होता है, उसके लिए वर्ड किया यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38, द सिनोनिम्स ऑफ डिफर इज, तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पोस्टपोन, डी करेक्ट आंसर है। 39, वाई ओ बी मीन्स यूब मीन्स, तो 39 का करेक्ट आंसर यदि हम लोग देखें तो यूब मीन्स का अर्थ होता है यहाँ पर सी, एन्यूट्स। प्रश्न क्रमांक 40, ही गिव अ टॉक द कॉज ऑफ डेंगू फीवर,
तो प्रश्न क्रमांक 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑन। 41वां मैं आई कम इन 41 का करेक्ट आंसर बी। 42 पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 ऑन हूम एबेंडॉन्स हिज रिलीजियस पैथ मतलब जिसने अपना धर्म छोड़ दिया हो तो 43 का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ए एपोस्टेट। 44 अ हेट ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सी मिसोलिस्टिक। आगे चलते हैं 45 अ फील्ड अ पार्ट ऑफ गार्डन वेयर फ्रूट ट्री ग्रो तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। उसको फल उद्यान कहते हैं नर्सरी नहीं कहते हैं फल उद्यान कहते हैं डी करेक्ट आंसर है। 46 देयर इज अ फिश इन द बोटल 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47 हेलन हैज ए हेडच तो 47 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 48 द एंटोनिम्स ऑफ प्रोटेस्ट इज तो 48 का आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका एंटोनिम्स क्या होता है। 49 का करेक्ट आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा। और 50वें प्रश्न का करेक्ट आंसर जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें आंसर आएगा ए इज। तो साथियों ये थे आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न या फिर हम ये कह सकते हैं कि 30 तारीख को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।